Shri Ram Jai.
संसार सारा मिट्टी का ही कारोबार है, मिट्टी दे नाल मिट्टी देखो। प्रभु चरणों में लीन हो गए। माँ माँ ही होती है, माँ का नाम देना दिया जा सकता है और ना ही माँ के गुणों की व्याख्या की जा सकती है। शोक सभा में सभी धर्म प्रेमियों, मैं जी महाराज के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती। हम सबको किशनपुरा निवासियों को अनाथ कर गए, उनके होते हुए उनकी करुणा में दया में आनंद में गोद में बैठ कर हम सभी आनंद मानते थे। दुख साझा करने के नाल दुख कटता है, तुहाडा सारिआं दा चल के आना एक एक कदम इस परिवार के सिर मेर मत दे। ओम शांति। Thank you.
लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्याल नगमयम वंदे विष्णु भाव बैगरणम सर्वलोके कदानम बंसी विभूषित करा नवनीदाबर बुष्टा उनिंद सुंदर मुखा धर्मिंद निद्रा श्री कृष्णा परम किमित तुम न जाने नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम सीता समारोह इत वाम भागम पाणौ महां साई को चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम तबिंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम 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 जय जय
संसार सारा मिट्टी का ही कारोबार है, मिट्टी दे नाल मिट्टी देखो करती किना प्यार गए। सोचया बथेरा पर समझ न आइए मिट्टी की ये दुनिया मिट्टी पीछे क्यों सुनाइए। सोचया बथेरा पर समझ न आइए मिट्टी दी ए दुनिया मिट्टी पीछे क्यों सुदाइए। सोचया बथेरा पर कोई लाल मिट्टी जगते कोई चिट्टी कोई काली कोई लाल मिट्टी जगते ते कोई चिट्टी कोई काली जिसने बनाई मिट्टी लीला उस दी निराली है। मिट्टी दी किड्डी सोनी दुनिया पसाई है, मिट्टी दी है दुनिया मिट्टी पीछे क्यों सोदाइए। सोचया बथेरा पर समझ न आइए मिट्टी दी ए दुनिया मिट्टी पीछे क्यों सोदाइए। सोचया बथेरा पर मिट्टी दे दो पुतले
बंदया
ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੂੰ ਅਮਾਨਤ ਆ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦਾਈ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਿੱਟੀ ਸੋਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਪਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਿੱਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਸੋਦਾਈਏ ਸੋਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਪਰ ਆਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਤ ਜਾਇਆ ਕਰੀ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾ ਚ ਲਾਇਆ ਕਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾ ਚ ਲਾਇਆ ਕਰ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਮੇ ਸੋਚਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਦਿਮਾਗ ਦਿਆ ਬੋਲਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਜੀਵਾ ਦੀ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕਾਨ ਦੀ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਖੇ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸੋਚਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਦਿਮਾਗ ਦਿਆ ਜੇ ਬੜੋ ਕੇ ਆਗੇ ਝੁਕਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠੀ ਜਨੋਂ ਕੇ ਆਗੇ ਝੁਕਾਨੇ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਾਨ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਖੇ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੀਵਾ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਮੇ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀਂ ਔਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹਮ ਯਹਾਂ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਹੀਂ ਔਰ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਹਮੇ ਯੇ ਮਾਨੁ ਯੋਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ 84 ਲੱਖ ਯੋਨਿਓਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇ ਯੇ ਮਾਨੁ ਯੋਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਲੀਏ ਅਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਸਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯੂੰ ਹੀ ਗਵਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤਬ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਜਬ ਦੁੱਖੋਂ ਨੇ ਹਮੇ ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਸੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਦੁੱਖੋਂ ਮੇ ਫਸ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜਬ ਤਬ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਜਨਮ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮੇ ਉਸਕਾ ਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਹਮੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਕਭੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਆ ਸਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤਬ ਹਮਾਰੀ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਭ ਮੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਮੇਂ
जीव आपने गुरु पुराण में सुना होगा, जब मां के उदर में होता है भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु दीन बंधु मुझे यहां से कहां बाहर निकालोगे, मैं भूत के गड्ढे में अकेला भुगतान कर रहा हूं प्रभु। हे दीन बंधु प्रभु जिनके लिए मैंने कर्म किए हम कितनी के कर्म करते हैं, परिवार के लिए बाल बच्चों के लिए, लेकिन दुख में साथ देने वाला कोई नहीं याद रखना, हमारा प्यार तब तक है जब तक श्वास चल रहे हैं, श्वासों के निकलते ही वही घर का मालिक होता है, हम एक रात्रि में उसको रखने के लिए तैयार नहीं होते, जल्दी ले चलो उसी समय समय रख देते हैं कब लेकर जिग जाना है। अरे नहीं, हमें उसका जवाब देना पड़ेगा जब पूछेगा। अटकाना
ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਮੋਨੀ ਨਾਥ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਯਸ਼ ਅਪ ਯਸ਼ ਵੀ ਦਿਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਚੜਨ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਚੜਨ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਖਾ ਤੇ ਚੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਭਿੰਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘਾਹ ਦੇ ਸੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਫਤਿਹ ਮੈਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਨਾ ਅੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਚੜ ਕੇ ਕਾਠ ਦੀ ਘੋੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਭਰਤ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵੀ ਅਰਥਾਰਥ ਹੋਨਹਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਲਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਕੇ ਜਨਮ ਕੇ ਸਾਥ ਮੌਤ ਕਾ ਔਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇਖੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਖ ਰੋਕੋ ਤੋ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਖ ਬਦਲੋ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਸਭ ਕੇ ਸਿਰਾਨੇ ਖੜੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਘੜੀ ਇਨਸਾਨ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਸਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲਪ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਜ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਸਭਾ ਕਿਸਕੇ ਲਈ ਉਸ ਮਾਂ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਜਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਯੋਜਤੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨਸ਼ੀਲ ਇਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕੇ ਪੂਜਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਮਹਾਜਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨਾ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਦੇਵੀ ਕੋ ਅੱਜ ਹਮ ਸਭ ਵਿਦਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸਮੇ ਕੋ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੀ ਦੇ ਵੋ ਸਵਰਗ
प्रभु महाराज के चरणों में गई है। जो सामाजिक धार्मिक ऐसे गरीबों की सेवा करने वाली, बढ़ चढ़ के आगे होकर भाग देने वाली, सबको शिक्षा देने वाली, कोई भी एक बार पास आ गया तो दूर जाने का नाम नहीं लेता। आज उस देवी को, उस माता को आप सब श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए सबको उपस्थित हुए हैं। ये आज की ये ज्ञान सभा, ये हाल जो है ये दर्शा रहा है कि माता जी श्रीमती पुष्पा महाजन कैसे धार्मिक विचारों वाली, सारी जिंदगी प्रभु महाराज के भजन में ही लगी रही। पत्नी स्वर्गीय श्री चरणदास जी ऐसे सपुत्रों को जन्म दिया, श्री स्वर्गीय अनूप जी, धर्म पत्नी सुनीता गुप्ता, बेटे सुनील गुप्ता जी, धर्म पत्नी सविता गुप्ता। बहन जी बता रहे थे कि शुरू से ही उनका मन जो प्रभु भक्ति में, आखिर में कोई सेवा भी नहीं करवाई, ऐसे प्रभु का स्मरण करते हुए ही चली गई। जो दूसरों को शिक्षा देने वाले ऐसी प्रभु भगत, सीधा वैकुंठ की प्राप्ति। आगे पीछे बहुत सुंदर फुलवाड़ी पीछे छोड़ कर गई है माता जी, पौत्र अभिषेक जी, वानिका पौत्र सलिल शिल्पी साहिल जी, पौत्री डॉक्टर सुप्रिया, डॉक्टर कबीर सदानंद। आज वो माँ चली गई, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए आज का सत्संग परिवार के द्वारा जो है, जो श्री गुरु पुराण जी का पाठ रखा गया था माता की आत्मिक शांति हेतु, उसकी पूर्ण होती होने जा रही है। तो तुम के लिए क्योंकि बहन जी ने कहा था ये जो बोलना है तो मैं तुम्हें लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि माँ का प्यार जो है वो कोई दे नहीं सकता, चाहे कोई चाची हो, बुआ हो, ताई हो, नहीं, क्योंकि माँ हमारी पहली गुरु होते ना जाने उन्होंने तो ही कई शिष्य बनाए माता जी ने। के पीपल से बढ़कर कोई छा नहीं होती है, कर जिसमो मुर्दा उसमें जान नहीं होती है। यूं तो लाखों हैं माँ के रूप, अपनी माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं होती है। के माँ होती है माँ दुनिया वाले हो, माँ होती है माँ दुनिया वाले हो, माँ है रब का नाम दुनिया वाले हो, पूजा माँ बिना कोई और ना दूजा।
याचना वंदना अरदास देव दबंधो आत्मा को श्रीमती पुष्पा महाजन को अपने चरणों में निवास देना और बाकी परिवार को जो इतना बड़ा दुख हुआ है सहनशीलता प्रदान करना। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ प्रार्थना करता हूँ श्री रविंद्र खुराना जी से। आगे कार्यक्रम जैसा भी है वो आपको बताया जाएगा। श्री मानव होती तो ये संसार न होता। हाल में उपस्थित माताओं बहनों भाइयों, प्रकृति के नियम के अनुसार जो आया सो चल से, इसी के अनुसार पूज्य माता परमादरणीय माता पुष्पा जी जितने श्वास मिले उन श्वासों का बहुत ही उत्तम प्रयोग करते हुए प्रभु चरणों में लीन हुए। माँ माँ ही होती है, माँ का नाम देना दिया जा सकता है और ना ही माँ के गुणों की व्याख्या की जा सकती है। माता पुष्पा जी केवल नाम की पुष्पा नहीं थी, वो परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए एक ऐसा पुष्प थी जिसकी खुशबू पूरे समाज में जो है वो फैली हुई थी। गृहस्थ आश्रम जो कि सभी आश्रमों से उत्तम माना गया है, उस आश्रम में रहते हुए माता जी ने जहां गृहस्थ आश्रम का पालन किया वहां उसके साथ साथ संन्यास आश्रम का भी पालन किया। ऐसा कहा जाता है कि पूज्य माता जी मोह ममता से बहुत दूर जा चुकी थी और इस बात को लेकर के सभी जलंधर निवासी जानते हैं कि उनका अपना जीवन जो है
एक संत पुरुषों की तरह साध्वी की तरह जो है वो व्यतीत हुआ और दो बेटे और दो बेटियों को जन्म देकर के उनका पालन पोषण करके पूर्ण रूप से साध्वी का जीवन जो है व्यतीत करना आरंभ कर दिया। और उससे पहले भी सबसे बड़ी बात जो है माता जी ने आयु भर जो है वो सफेद वस्त्रों को ही धारण किया, संत पुरुषों का चोला जो है वो ही धारण किया। और इस दौरान कभी भी उन्होंने आज के युग में जब माताओं बहनों को सोने के साथ बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई गहना धारण नहीं किया था। ऐसी महान आत्मा जिसने धर्म प्रचार के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत किया, वहां किशनपुरा में मंदिर का निर्माण करवाया, लोगों की भलाई के लिए जंज घर का निर्माण करवाया और उसके साथ साथ जो वहां पर प्राचीन मंदिर थे उनको भी सुधारने में अपना पूरा योगदान दिया। धर्म प्रचार में माता जी प्रतिदिन मंदिर में जाकर के सत्संग किया करती थी और उसी सत्संग में उनके साथ बहुत से शिष्य जो उनके बन गए उन्होंने भी अपने जीवन का सुधार किया। और लगभग 15 वर्ष पहले जब वो किशनपुरा को छोड़कर जलंधर में पहुंच गए तो भी उनका यही नियम रहा कि प्रतिदिन शाम को मंदिर में पहुंचकर सत्संग करना, धर्म का प्रचार करना, गरीबों की सहायता करना उनका ये परम लक्ष्य था। ध्येय भी यही था कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, यही उनका लक्ष्य था जो उन्होंने जीवन भर निभाया। और इसी से सामाजिक धार्मिक राजनीतिक क्षेत्रों में माता जी का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। जहां भी माता जी गई वहां पर उन्होंने यही सबको शिक्षा दी, साधारण जीवन व्यतीत करो, प्रभु नाम का सिमरण करो, यही जो है जीवन में काम आने वाली वस्तु है। और केवल धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी उनका बहुत ही योगदान रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि इंग्लैंड से आकर के जब सियालकोट में सरदार कंडा सिंह जी ने पार्टीशन से पहले जब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का वहां पर काम शुरू करवाया तो वहां पर हर चीज बनाने का जो है प्रबंध किया गया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि नेट बनाने का कार्यक्रम जो है वो माता जी के पावन कर कमलों से आरंभ करवा करके इस इंडस्ट्री को एक बहुत योगदान दिया गया। और यही योगदान इस परिवार के लिए ही नहीं अपितु स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा वरदान आज भी बना हुआ है। ऐसी पावन आत्मा जिसने दो बेटे और दो बेटियों को जन्म देकर के बहुत ही समाज में इनको भी ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो ये सभी जो हैं उनके पक्षों पर चल करके समाज में परिवार का नाम जो है वो उसी तरह रोशन कर रहे हैं। और उन्हीं की अपार कृपा से स्वर्गीय हमारे साथी अनूप जी पार्षद भी बने और हमारी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के वो प्रधान भी रहे और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये पूरे का पूरा परिवार जो है वो दिन
चौगुनी और रात जो है दोगुनी उसी प्रकार से उन्नति कर रहा है। और यही प्रभु चरणों में प्रार्थना है कि इन बच्चों को जो माता जी रास्ता दिखा करके गई हैं, जो उत्तम जीवन जीने का जी कला सिखा करके गई हैं, ये बच्चे जो हैं उन्हीं पाद चिन्हों पर चलते हुए अपना जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे और उनका नाम जो है वे इसी प्रकार जो है वो रोशन करते रहेंगे। माँ का देना ना दिया जा सकता है, ना उसका गुणगान किया जा सकता है। ऐसी पावन आत्मा वो केवल माँ नहीं थी, महान आत्मा जो है वो एक संत पुरुषों की आत्मा को लेकर के इस धरती पर अवतरित हुई। कईयों को बेड़ा पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन को जो है विश्राम दिया, और जैसा कि अभी बताया गया कि बहुत कुछ दिन ही बीमार रह करके वो प्रभु चरणों में लीन हुई। ये भी शुभ कर्मों का फल होता है, नहीं तो आज जो है मृत्यु पाने के लिए जो है बहुत बहुत दुख भोगने पड़ते हैं, लेकिन माता जी बिना सेवा करवाए प्रभु चरणों में वह जो है वो लीन हुई। तो इसी भावना को लेकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसा उन्होंने सादा जीवन व्यतीत करने की हमें शिक्षा दी, भगवान का स्मरण करने की शिक्षा दी, और यही कारण है कि आज उनकी बहुत सी शिष्याएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और जिस दिन संस्कार हुआ उस दिन तो आप सब जानते ही हैं कि क्या वहाँ पर दृश्य इन बहनों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो मैं प्रार्थना करूंगा बहन कृष्णा जी से कि वो आए आकर के माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन जो है वो आकर के भेंट करें। बहन कृष्णा जी, आदरणीय पंडित जी और इस शोक सभा में सभी धर्म प्रेमियों, बहन जी महाराज के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती। हम सबको किशनपुरा निवासियों को अनाथ कर गए, उनके होते हुए उनकी करुणा में दया में आनंद में गोद में बैठ कर हम सभी आनंद मानते थे। आज वो करुणा की आनंद की और दया की मूर्ति हम सबको अकेला छोड़ गई। वो कहते थे घड़ियां कई प्रकार की होती हैं, एक घड़ी दीवार पर लगाई जाती है, एक हाथ पर बांधी जाती है, और एक घड़ी सुख की घड़ी होती है और एक घड़ी बिछुड़ने की दुख की घड़ी होती है। आज वो घड़ी हम सब पर लगे। महाराज जी सफेद कपड़े में संत थे, संतों का तो काम ही होता है नाम सिमरन जपना और जपाना, लेकिन ग्रस्त में रहकर फिर सारी संगत को अपने कर्तव्य निभाना, परिवार में रहने की जात सिखाना, संबंधियों से नाता कैसे जोड़ना, घर से कैसा व्यवहार करना, ये सारा कुछ हमें महाराज जी ने ही सिखाया था। आज हमारे बहन जी महाराज कहा करते थे पानी पर किश्ती तो तैरेगी जरूर, अगर किश्ती में पानी तो डूबेगी जरूर। परिवार में रहो, ममता की मूर्ति थी, वो सभी से प्यार करते थे, दया के सागर थे, जो भी उनके पास आता था उन पर दया का वर्षा ही कर देते थे। परिवार में रहते हुए खुद भी नाम सिमरन किया और हम सब लाखों लोगों को जपाए। उनके चरणों में पद्म का चिन्ह था, जिस धरती पर वो पैर टिका देते थे वहाँ आनंद ही आनंद हो जाता था। किसी अस्पताल का, किसी दुकान का, किसी पाठशाला का, जहाँ भी गए, जहाँ भी उन्होंने अपने चरण डाले वहाँ लहरे बहरे ही कर गए। आज वो आनंद के सागर हमें आधे से बिछुड़ गए। हमारी किशनपुरा की संगत त्राही त्राही जी के मार मार कर रोती है, फिर उनके शब्द याद आते हैं, आया है सो जाएगा, जाना विषम बीज, थोड़े दिन के वास्ते क्यों भूला जगदीश। हे लोगों, हे मेरी बहनों, अब मत रो,
बहन जी महाराज हमें जो संदेशा दे गए हैं उस पर चलो, जो पूर्ण पा गए हैं उन पर चलो, उनके उपदेश उनकी शिक्षा हमारे पास है। राम गए रहीम गए जाना तो सभी ने है, पर माता जी का जाना हमसे अभी तक सहा नहीं जाता। सारी धरती पर मैं उनके गुण लिखने लगूं, सारे जंगल की लकड़ी की मैं कलम बना लूं, समुंदर की स्याही बना लूं, तब भी लिखे नहीं जा सकते। ऐसे अथा मेरे बहन जी महाराज का चरित्र था। जय गुरुदेव। ओम शांति। ओम पानी घेरा बुदबुदा, असमानस की जात देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। प्रार्थना करूंगा पंजाब के पूर्व मंत्री अवतार हैंडी जी से कि वो आकर के माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन भेंट करें। अवतार हैंडी जी ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ ਮਹਾਜਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 35 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹ ਜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੂਪ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ, ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ
ਬਾਬਾ ਹੈਂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤ। ਠੰਡੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਦੀ ਜੀ ਸੇ ਕਿ ਵੋ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਕੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਥੀ ਰਹੇ, ਉਨਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇ। ਵਿਆਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਯ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਸਮ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50-55 ਸਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਆ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 45-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਅਨੂਪ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜੇ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜੇ। ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਜਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੇ। ਮਹਾਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜ ਆਸ਼ਰਮ ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜੇ। ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਸਵਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜੇ। ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਭੇਜੀ ਆਏ ਜੇ। ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੇ। ਖੇਲ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੇ। ਵਿਜੇ ਧੀਰ ਧੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ
जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक जाते बांध जंजीर। अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में जन्म होता है और उन्हीं कर्मों को भोगकर उन्हीं के अनुसार इस संसार से चलाना करना पड़ता है। तो हमारे बीच में विधायक राजेंद्र बेरी जी, भाजपा नेता महेंद्र भगत जी, कृष्णलाल शर्मा जी और भी बहुत से देवी राम मंदिर के महासचिव राजेश वेद जी, वो भी मां के चरणों में श्रद्धा समर्पण करने के लिए आए हैं, लेकिन समय की कमी होने के कारण इन सब से क्षमा याचना चाहता हूँ। और आप सब से परिवार की ओर से ये प्रार्थना है कि माता जी की पावन समृद्धि में लंगर का प्रसाद जो है सब बाहर से ग्रहण करके जाते हुए जाएंगे। और परिवार की ओर से बहुत सी संस्थाओं के लिए गुप्त दान राशि जो है वो निकाली गई है, वही दान राशि जिन जिन संस्थाओं के साथ माता जी जुड़ी हुई थी उन संस्थाओं को परिवार की ओर से 20 तारीख के बाद अर्थात क्रियाक्रम करने के पश्चात जो है वो राशि जो है सबको पहुंचा दी जाएगी। तो आप सभी जो परिवार के साथ दुख बांटने के लिए आए हैं, कहते हैं खुशी में शामिल होने से खुशी बढ़ती है, दुख में शामिल होने से दुख कम होता है। आप सभी जो परिवार का दुख बांटने के लिए आए हैं, मैं परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रुपये पैसे का आशीर्वाद नहीं दें, केवल अपना आशीर्वाद। सामने बैठी मेरी मतावा भैन भाई, अज सारे अभी हमेशा ही याद रखेंगे, उन्होंने हमेशा ही अज के युग के चंगी तरह इको ही गल से जोर दिता कि बेटा इमानदारी के नाल जिंदगी देनी है, किसी को कदे दुख नहीं देना। और उन्होंने पाए हुए पूर्णियां पर ही अज जिते उन्होंने परिवार चलिया, उन्होंने बहुत समाज में उस पास चलाने की कोशिश की। मेरा माता जी के नाल उन्होंने बेटे अनु महाजन जी जे साढ़े नाल काउंसलर थे, उन्होंने प्रति मैं मौका मिलया उन्होंने आशीर्वाद लैन से। और उन्होंने वाकई एक ही गल की कि इमानदारी के नाल काम करना है। और कई बार अनु महाजन जी जो अभी कारपोरेशन इकट्ठे होना तो उन्होंने यही कहना यार इतने ईमानदारी नाल कितना काम करांगे, माता जी ने कहते ईमानदारी नाल चलीए, लेकिन उन्होंने एक ही गल कही कि मैं 5 साल तो बाद इस काम नहीं पैना, और वाकई नहीं पे। सो अज उन्होंने लफ्ज यादा हमेशा याद आदि रहनगियां। सो मैं उस परमपिता परमात्मा के ही अरदास करता कि उस विछड़ी आत्मा को अपने चरणों के विच जगह देन और पिछे परिवार को भाणा मरतन का बल देन। अज सारे तुसीं इस महाजन परिवार के नाल दुख सांझा करन वास्ते आए हो, दुख सांझा करन दे नाल दुख घटदा है। तुहाडा सारयां दा चल के आना एक एक कदम इस परिवार के सिर सिर मत्थे ते है। ओम शांति शांति। खेड़ी भंडारी जी भी माँ के चरणों में श्रद्धा समर्पित करके गए हैं, उनका भी ओम श्री गणगणपते नमः।
ਲੀਲਾ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਪਰਪੋਲਾ ਗੋ ਸੋਨਾ ਸਵਾਰ ਉਤਾ ਮਹਾਰਮ ਮਾਨਵਾ ਸ਼ੈਕੁਚਾ ਰੁਚਾ ਮੁਖਾ ਮਿਲਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ਨਾ ਤਪੰਸੀ ਮੁਸ਼ਤਰਾ ਪ੍ਰਿਤਾਵਤ ਨੀਤਮ ਰਾਜ ਮੁਸ਼ਤਾ ਪੁਸ਼ਤਮ ਘਾਤ ਤ੍ਰਿਤਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਰਮੋ ਮਮੀ ਤਤ ਤੁਮ ਹਮਨਾ ਜਾਨੀ ਵਸੁਦੇਵਮ ਸੁਤਮ ਦੇਵਮ ਕਲਸੁਜਾ ਨੁਮੰਦਰਮ ਦੇਵਤੀ ਪਰਮਾਨੰਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦੀ ਜਗਦਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਇ ਵਾਸਦੇਵਾ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨਾਇ ਚ ਨੰਦਗੁਰੂ ਕੁਮਾਰਾਇ ਸ਼ਿਵਦਾਇ ਨਮੋ ਨਮਃ ਓਮ ਸਰਵ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਾਰਤੀ ਸਾਧਕੀ ਸਨੰਦੀ ਗੌਰੀ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਮੋਸ ਜਾਂਤਾ ਕਰੋ ਸ਼ੈਨਮ ਪਦ ਨਾਮੋ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਵਾਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਮੇਕਣ ਸੁਵਾਗਮ ਹਰਿ ਓਮ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੋ ਨਮੋ ਸਰਵ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਾ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਣਾਇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੌਰੀ ਨਾਰਾਇਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਮਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਹੂ ਕੇਤਵਾ ਸਰਵੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿਰਭਵਤੁ।